नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। शारदीय नवरात्रि से पहले सीएम योगी ने आज लखनऊ से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने महिला अपराध को लेकर कड़े शब्दों में चेतावनी दी। कहा, ऐसे अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, संभलने के लिए उन्हें बहुत वक्त मिल चुका है, अगर अब भी नहीं चेत पाए तो एक्शन होगा। वहीं वाराणसी में भी सीएम योगी ने वर्चुअली मिशन शक्ति का आगाज किया। इस मौके पर शिलांग से वाराणसी बाइक से पहुंची सीआरपीएफ महिला बटालियन और बाइकर्स ने रैली निकाली। वहीं सीएम योगी ने तीन महिला विशिष्ट अतिथियों पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिदर श्रीवास्तव, HCL की CEO रोशनी नाडर सहित 25 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हुआ है। साथ ही अपराध करने वाले लोगों को सजा दिलवाने में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में है। महिला थाना क्षेत्र में जो भी सेंध लगाने की कोशिश करेगा उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।